अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे मसूर की दाल। तो ये इस तरह की साबित और छिलके वाली मसूर की दाल है। तो ये मैंने एक कप ली है। इसके अलावा मैंने लिया है दो टमाटर बारीक कटे हुए, एक मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम मसूर की दाल को इस बॉल में डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये जो मसूर की दाल है इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसे हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में मैंने ऑयल डाल के इसे चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें हम ये हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च को हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भून चुका है तो इसमें हम ये पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो ये गरम मसाला पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे और ये नमक। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे। इसे भी हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम इसमें ये मसूर की दाल ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसमें फिर से एक बार चम्मच चलाएंगे और फिर इसकी लीड बंद कर देंगे और 4 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। अगर 4 सीटी में भी आपकी दाल ना गले तो आप इसकी 1-2 सीटी और ले सकते हैं, क्योंकि ये कुकर पे भी डिपेंड करता है आपका कुकर कैसा है, छोटा है बड़ा है। देखिए कुकर की 5 सीटी आने तक मैंने इसे पकाया है और ये जो दाल है हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। इसमें देखिए अब ये बहुत ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो ये हमारी दाल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़े की हमारी मसूर की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर सकते हैं। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।